ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम ट्रिपल वन चैनल के ऊपर गाइस तो आज की वीडियो है वरदान वरदान वाली <laughs> वाली रीडिंग मैं इसलिए बोलती इसे क्योंकि इसके बाद ना काफी सारे लोगों के रियूनियंस हो जाते हैं अब लोग बोलेंगे तो मैम आप हर दूसरे तीसरे दिन कर दिया करो लेकिन इंट्यूशंस और इंटेंशंस दोनों का आना बहुत बहुत जरूरी है है ना तो वही वाली बात है समय लेकर यह वीडियो मैं इसीलिए डालती हूँ ताकि आप लोग अपने अच्छे अच्छे रिकन्सिलिएशन्स जो हैं वो हीलिंग के दम पर करें नॉट बाय और एनी काइंड ऑफ टेम्परेरी वाइब्रेशंस ठीक है टेम्प्रेरी वाइब्रेशंस और हीलिंग के अंदर बहुत डिफरेंस होता है हीलिंग इज लाइक like कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं फीलिंग इज लाइक कि हमारी जिंदगी में कोई और हमें हैप्पी नहीं हम खुद अपने आप को हैप्पी कर सकते हैं हमें किसी के साथ से ज्यादा खुद के होने का एहसास होना बहुत जरूरी है कि हाँ हमारी भी वर्थ इट है यानी कि सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोर ओवर खुद से बहुत बहुत सारा वाला प्यार बहुत जरूरी है ठीक तो है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग नेक्स्ट 48 एट आवर्स क्या होने वाला है और uh, कैसे होने वाला है आप दोनों के बीच में नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स एक कार्ड दो कार्ड सो so, क्या क्या आया हमारे पास एट ऑफ सोड्स हैंग मैन सिक्स ऑफ सोड्स जिमनाई लिब्रा एक्वेरियस एंड विरगो Gemini, Libra, Aquarius, and Virgo. Emperor, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Wands, Four of Swords. I'm not taking reversals because this is not a zodiac reading. जोरी की रीडिंग से याद आया बहुत जल्दी आप लोगों को अप्रैल की रीडिंग मिलेगी ठीक है मैं या तो अप्रैल की आपकी रीडिंग डालूंगी आपके आ, इसी प्यारे ट्रिपल वन डायरेक्ट चैनल के ऊपर या फिर जो है मैं डालूंगी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर यानी कि अगर आप लोगों ने ट्रिपल वन डायरेक्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं कर रखा है तो आप लोग फॉलो करें फॉर मोर ब्यूटिफुल अपडेट्स ऑन दैट एंड फॉर ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरीज फॉर ब्यूटिफुल फीडबैक्स एंड uh, बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई टेक्निक्स के लिए आप लोग इसे इस्तेमाल करें यूज करें डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा का लिंक दे रखा है ठीक है आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हो बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ कप्स नेक्स्ट फोर्टी एट आर्स मैंने आपको सारे बताई दिए हैं ठीक है बेसिकली नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में एक चीज तो मेरे को यहाँ पे संभव नजर आ रही है और वो एक चीज जो मुझे संभव नजर आ रही है वो ये है कि ये पर्सन ना इतना ज्यादा दुखी अभी चल रहा है और नेक्स्ट फोर्टी एट आर्स में होने वाला है जिसकी वजह से ये कोई ऐसा डिसीजन ले लेगा कि आप अनएक्सपेक्टेडली मतलब आप ऐसा सोचोगे कि है ऐसा हो गया मेरे साथ ठीक है ये चीज होने वाली है क्यों क्योंकि भले से इसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं देख रहे हो आप सेवन ऑफ कप्स बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत कुछ है इसके पास लेकिन ये बंदा वर्थ इट महसूस नहीं कर रहा है ठीक है जी वर्थ इट फील नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा नेगेटिव महसूस कर रहा है हैंगड हो चुका है हैंग्ड इन सेंस हैंगमैन का कार्ड है स्टक हो चुका है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करता रहता है हर वक्त नेगेटिव सोचता रहता है ओवर थिंक करता रहता है आपको लेकर के फ्रस्ट्रेशन के माहौल में रहता है हमेशा ठीक है अपने करियर पे ऐसा जितना ज़्यादा खास ध्यान नहीं दे पा रहा है और ये बहुत दिनों से सिर्फ और सिर्फ इसी तलाश में है कि एक सही समय आए एक ऐसा सही समय आए जिसके अंदर मैं कोई स्टेप लू मैं कोई इसको कमिटमेंट देने की कोशिश करूं या मैं चीजों को सेटल करने की कोशिश करूं ये एनर्जी इस वाइस पर भी हो सकती है ऐसा भी हो सकता है कि आप इस बंदे के बारे में ये सोचते रहते हो कि ये जो है पर्सन वेट कर रहा है एक सही समय का और ये वापस मेरी जिंदगी में आएगा तो मैं आपको बता दूं कि आप सही सोच रहे हो ये पर्सन आपकी जिंदगी में तो जरूर से जरूर आएगा ठीक है ऐसा भी मुझे लग रहा है कि काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके घर वाले यानी कि जो व्यूवर्स आप देख रहे हैं आपके घर वाले ना आपको बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो एंड यू गाइज आर लाइक कि शादी यार ऐसे कैसे कर लो चीजें भी तो मैटर करनी चाहिए ना चीजें भी तो मैटर करती हैं भाई हमारी खुद की फीलिंग्स भी तो मैटर करती हैं वो सारी चीजें आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं <coughs> मुझे जो चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रही है ना वो यही है कि आपके दिमाग में चल रहा है कि ये बंदा मेरी जिंदगी में वापस आए ठीक है कमिटमेंट के साथ आए ये पर्सन भी आना चाहता है एंड नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में ये जितना भी इसने रायता फैला रखा है ना लाइक एम्प्रॉयर की तरह बिहेव कर रहा है हैंग हो रहा है स्टक हो रहा है चीजें इतनी ज्यादा नेगेटिव तरीके से ले रहा है वो सारी चीजें खत्म करके ये पर्सन आगे आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा फॉर श्योर देख रहे हो सिक्स ऑफ सोच का कारण है कर्मा वाटर ये गंदे कर्मा वाटर से निकल करके साफ प्योर वाटर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा ये पर्सन वापस आपके पास आ, आ करके आपको बैठा करके इन सब चीजों से सब घटियापंथी से निकाल करके आपको वापस से एक पॉजिटिव माइंड स्टेट पर ले जाने की कोशिश करने वाला है ठीक है चलिए कुछ और कार्ड भी देखते हैं फ्रॉम द डिफरेंट डेक नेक्स्ट फोर्टी आवर्स आप और वो नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स प्लीज एंजल्स बताए नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में क्या होने वाला है इनके मैसेजेस भी देखेंगे और हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी क्योंकि आप लोग ना मुझे हील वाले तो नहीं नजर आ रहे हो देखो ये टेम्परेरी हो जाएगा फिर अगर नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में ये बंदा आकर के कॉल मैसेज करता है ना तो ये टेम्प्रेरी हो जाएगा क्यों क्योंकि आप हील तो हो ही नहीं आप टेम्परेरी बेसिस पे थोड़े समय के लिए जो पॉजिटिव होते हुए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करते हो या कुछ भी आप प्रेयर वगैरह करते हो वो काम कर रही है बंदा आने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप हील नहीं हो अंदर से स्टक हो उसी के बारे में सोचते रहते हो नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है आपकी ये बंदा ठीक है आप इसी चीज के बारे में सोचते रहते हो और फिर होगा ये कि बंदा आया रुका कुछ दिन के लिए और फिर दोबारा वहीं क्योंकि आप तो उसको फिर से हंड्रेड परसेंट दे दोगे सब कुछ हाँ भाई आपने खाना खाया आपने ये किया आपने वो किया चीजें आप तो फिर से दोबारा वही क्रिएट कर लोगे इसलिए हीलिंग बहुत जरूरी है अगेन एस ऑफ एस ऑफ वॉन्स कमिटमेंट तो मिलेगा क्वीन ऑफ वॉन्स करियर पे भी इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो आप लोग जो कि बहुत गलत बात है मैं सही बोलूँ ना तो लव लाइफ पे ज्यादा फोकस नहीं करियर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए पूछो क्यों करियर पे हम फोकस करते हैं लव लाइफ अपने आप मैनेज हो जाती है ये चीज हमेशा याद रखिएगा आप नाइट ऑफ पेनिकल्स दिस पर्सन विल कम टू गिव यू ब्यूटिफुल कमिटमेंट कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपकी विश फुलफिल होने वाली है नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स आपकी विश फुलफिल होने वाली है आपको कमिटमेंट मिलने वाला है और नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में मुझे लग रहा है कि आपको करियर में भी किसी तरीके की ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहोगे और इस एक्साइटमेंट को चार चांद लगा देगा ये बंदा ठीक है तो यार टेंशन नहीं लेनी है नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है ये स्टकिंग एनर्जीज खत्म हो जाएंगी ठीक है लेकिन आपको सही सोचना भी बहुत जरूरी है ओके सही सोचना भी बहुत जरूरी है आप अगर टेम्परेरी बिहाफ पे उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हो तो भाई बुला लो टेम्परेरी आएंगे फिर चले जाएंगे ठीक है चलिए उनके मैसेजेस देख लेते हैं तो ये गलती ना करें कि टेम्परेरी बुला रहे हैं और फिर दोबारा उन्हीं के अंदर एंगेज हो गए यू रेस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक तो उनको ये चीज पता है कि आप उनकी रेस्पेक्ट करते हो हर चीज की जो भी उन्हें पसंद है जो भी उन्हें पसंद नहीं है यू आर डेडिकेटेड इन दिस रिलेशनशिप आप डेडिकेटेड हो इस रिलेशनशिप को लेकर के यू अप्रिशिएट मी आप उनको एप्रिशिएट करते हो यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस और आप उन्हें एकदम अपनी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो ठीक है सो so, ये उनके कुछ ब्यूटिफुल से मैसेजेस प्रिंसेस या प्रिंस जो भी है आप उसके हिसाब से ले लेना चलिए कुछ और देख लेते हैं मैसेजेस ओके वी हैव कॉज मेरे आगे बेबी हो क्योंकि आप इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सामने बेबी हो इस वजह से भी आपसे बहुत प्यार करते हैं आई लव यू कॉज योर सोल इज माइंड हाँ जानती हूँ पिंगू हो <laughs> सकता है वो आपको पैंगविन पिंगू आपकी हाइट कम है गाइस जो व्यूवर्स देख रहे हैं इसकी वजह से ऐसा बोलती हूँ या बोलते हों आई लव योर हाइट उन्हें आपकी हाइट फिर भी पसंद है ओके फिर है तुम्हारे जैसा कोई नहीं तो उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है आर यूजलेस फाइट वो इन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं गणेश जी का भी कारण है यहाँ पे तो हो सकता है कि आप प्रेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हो और गणेश जी आपके साथ हैं सो ब्यूटिफुल तो वो सोचते हैं कि आप बहुत ब्यूटिफुल तुम तो मेरे सामने रोए हो द वे यू होल्ड मी सो टाइट तो जिस तरीके से आप उनको पकड़ते हो जिस तरीके से आप ट्रीट करते हो आई लव जब तुम मुझे संभाल लेते हो शिवजी शिवजी का भी कार्ड है भाई बहुत पूजा पाठी हो आप लोग बहुत प्रेयर्स कर रहे हो आई लव योर स्माइल कीप स्माइलिंग तो उनको आपकी बहुत स्माइल पसंद है और प्लीज आप ऐसे ही स्माइल करते रहे ठीक है वो ये भी चाहते हैं चलिए अब चेक कर लेते हैं कुछ ब्यूटिफुल uh, सा गाइडेंस योर कमिटमेंट इज बींग टेस्टेज एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन जो चीज मैंने आपको बोली थी कि आप परमानेंटली बुला रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है बुलाओ लेकिन अगर आप टेम्परेरी बुला रहे हो तो आपका योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड आपका जो कमिटमेंट है सॉरी <coughs> आपने जो कमिटमेंट दिया है कि नहीं मैं सेल्फ लव करूंगी नहीं मैं सब कुछ सेटल करूंगी वो आते हैं तो मैं उनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं होंगी अगर आप फिर भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो तो वो आपका टेस्ट करेंगे एंजल्स गाइडेंस देंगे आपको इस चीज के ऊपर डिवाइन आपको जरूर से जरूर टेस्ट करेगी और फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिचुएशन से अगर उनके आने के बाद आप वापस से वैसे हो जाते हो हाँ जी ना जी वो बोले तो दिन वो बोले तो रात नहीं करना है ये सब ठीक है तो ये आपका गाइडेंस तो नेक्स्ट 48 एट आवर्स अगर मैं बोलूं तो उनकी तरफ से ब्यूटीफुल से स्टेप्स आपको मिलने वाले हैं और आपको करियर में भी कोई ऊंचाई मिलने वाली है जिसकी वजह से डबल बल्ले बल्ले होने वाली है सो दिस इज ऑल अबाउट डेज रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी इफ येस देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आर चैनल और जितना हो सके उतना अपनी हीलिंग पे फोकस करें बहुत सारा प्यार बाय